ये है मेरा पीस लिली जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं ये पीस लिली खरीद के लाया था तब इसमें बहुत कम पत्ते थे, पर अभी देखिए फ्रेंड बहुत बढ़ गया है और बहुत सारे मतलब पत्तियां इसके निकल रहे हैं और इसमें फ्लावर भी खिलता है फ्रेंड। बहुत मस्त लगता है, यूनिक और बहुत ज्यादा, क्या बोलूँ, स्पीसलेस, मतलब कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या और बोलूँ इसके फूल के बारे में। इसको मैंने एक 6 इंच शायद 8 इंच वाला एक प्लास्टिक के गमले पे लगाया हुआ है, ये देखो फ्रेंड, और यहाँ से होके ये निकला हुआ है ये। ठीक है, इसको मैं इंडोर पे रखता हूँ, तेज धूप से बचाता हूँ। जैसे कि अभी भी आप लोग देख सकते हो ये ग्वाभा ट्री के नीचे में ये पीस लिली को मतलब लगाया हुआ हूँ। ये फ्रेंड आप नॉर्मल मिट्टी पे भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने कौन सा सॉइल मिक्स यूज किया है मैं आपको बताता हूँ। मैंने फ्रेंड यूज किया है 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, ठीक है, और 40% मैंने लीव कॉम्पोस्ट यूज किया है और 20% सैंड। ये सब मिला के मैंने यहाँ पे ये पीस लिली लगाया है जो कि आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। ठीक है फ्रेंड, और अभी तो इसमें फ्लावर नहीं हुआ है पर फ्लावर हो जाएगा, जनवरी फरवरी से फ्लावर होने स्टार्ट हो जाता है। और फ्रेंड मेरे ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा पीस लिली वाला नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं नेक्स्ट आऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो को लेके, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मेरे कुछ नया प्लान को लेके। ठीक है फ्रेंड, जय जगन्नाथ, बाय।